ठीक है, और किसी का नहीं है। और तुम मुझसे आज बोल के चला, ठीक है। इधर उधर देख के बोल। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं अभिषेक, आपका छोटा भाई, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी आ गए हैं एक भाई के पास। भाई बहुत दिन से परेशान थे, मैसेज किए जा रहे थे, तो भाई से मिलने आ गए। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये भाई खुद बताएंगे, ठीक है ना। तो अपना, मेरे फैमिली को, मेरे व्यूवर्स को, जो आपके साथ इशू आ रहा है वो आप बताइए। भाई मेरी अभी हाल ही में शादी हुई है, उसके 5 महीने हुए हमारी शादी को। मैंने लव मैरिज कर रखी है, तो घर वालों ने बोल रखा है यहाँ आने की जरूरत नहीं है अपनी, अपना बाहर खाओ कमाओ जियो मरो, में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई मतलब रखना मत। तब मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, सैलरी 10,000 मिलती है महीने की, अब करता हूँ, मुझे पता मैं कैसे काम कर रहा हूँ वहाँ पर। वो तो भाई 10,000 में कैसे चला रहे हो, बस सारा बात हमें बता रखे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये कैमरा में बोले, ताकि आप तक ये सारा मतलब एक प्रूफ बने और ये बात आपके आपके पास पहुंच पाए, ठीक है ना। जो मेरी वाइफ है वो थोड़ी हाई लेवल की हैं, उनमें क्लब वगैरह घूमना फिरना। और जो हम आप हमको जैसे अभी ऑफ कैमरा में बताए हैं, तो एक चीज़ समझना चाहिए ना कि अगर मतलब आपकी जो मैडम है, जो भी मतलब आपकी वाइफ है, आपकी मतलब इतनी हाई लेवल है, तो ये चीज़ तो देखना चाहिए ना कि पहले। वो नहीं देखती वो, मतलब मैं घर का काम भी करके जाता हूँ, वो मतलब सोती रहती। तो आपको ये चीज शादी करने से पहले एक बार एनालिसिस करना चाहिए ना, किसी कोई भी हो अपना लाइफ पार्टनर अगर चूज करता है तो उसको एक चीज देखता है ना कि हाँ क्या है नहीं है। तो वो उस टाइम मतलब सब ठीक चल रहा था, वो बोली मैं तुम्हारे तुमसे शादी। अच्छा, शादी के बाद ये सारा चीज। तो उसके बाद वो बदल गई एकदम से। और बताओ क्या क्या इशू। तो मतलब वो घूमना फिरना रात को, मतलब लेट नाइट आना घर पे अपना 1:30-2 बजे तक, फिर बोलती लाओ खाना दे दो मेरे को डाल के, मैं चलो कोई बात नहीं दे देता हूँ। अच्छा, फिर मैं कहती बर्तन वगैरह धो देना, मैं सुबह तो आपके लिए चाय बना दूँ। सुबह उठता तो मुझे चाय भी नहीं मिलती, सोती रहती मैडम जी हमारी। तो ज़्यादा फालतू बोलता हूँ, कहती है तू ज़्यादा मत बोल, नहीं तो सोमवार फ़ोन मार के अंदर बंद करवा दूंगी। अच्छा, फ़ोन मार के अंदर बंद करा देंगे। तो मतलब ये चीज़ आपने फैमिली को भी बताते ना एक बार, या फिर फैमिली को बता, फैमिली वाले तो बोल देंगे यही हमसे पूछ के शादी। अच्छा, मतलब आपको मतलब फैमिली वाले आप लोग को पूरा इग्नोर कर रहे हैं। पूरा इग्नोर, नंबर ब्लैकलिस्ट कर रखा है, साइड कर रखे हैं बिल्कुल। तो और आपके वाइफ को लेके क्या इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है, मतलब मैं, मेरा एक फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है काफी, इसी में मतलब 4th फ्लोर पे रहता है। ये सारा चीज जो आप लेट एट नाइट आना, मतलब आप जो बता रहे थे कंपनी ड्यूटी भी अगर रहते हैं, फोन करते हैं, पेटिंग आता है, ये सब। हाँ, आपको ये सारे चीज कैसे कैसे पता चले आप बताओ। ये एक बार मेरे को, मैंने एक बार कॉल मिलाई, मतलब कुछ काम था मेरे घर में, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह थे, तो वो फोन अन्य कॉल पे, वैसे मैं चलो कोई नहीं घर पे बात कर रहे होंगे, बिजी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, फिर मैंने इनकी मम्मी को फोन मिलाया, जिनकी मम्मी को फोन मिलाया, उनकी मम्मी बोलती मेरे पास कोई कॉल नहीं आती बेटा, ना मेरे से कोई बात कुछ बात करती है। अच्छा, यानी उनकी मम्मी आपसे बात करती है। हाँ, उनके फैमिली वाले बात करते हैं। हाँ, उनके फैमिली वाले बात करते हैं। तो आप बताते ना कि आपकी लड़की ऐसे मेरे साथ करती है। मैंने बताया ना, वो कह रहे हमें विश्वास नहीं है, ऐसे कोई सबूत है तो बताओ। अच्छा, सबूत दिखाओ। अब मैं ऐसे बोलने से कोई मानता नहीं है। और ये चीज बताओ, बाहर अभी इतनी बारिश हो रही है, अभी बाहर ही गई हुई अभी तक नहीं आई। तो एक चीज़, हम लोग सही टाइम पे यहाँ आ चुके हैं, लेकिन देखिए ये कि हम लोग तो बहुत चीज़ सोच समझ के यहाँ पे आए, सारे बात करके इनसे समझ के आए, लेकिन इतना बाहर बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, लेकिन मैडम अभी घर से गायब हैं। ये भाई साहब ड्यूटी जा नहीं पाए हैं, लेकिन मैडम उनको ऐसा क्या जरूरी आ गया कि वो घर से बाहर अभी निकल चुके हैं। बाहर जाते तो कहते कम से कम मुझे अकाउंट में कम से कम 2-3 हजार रुपये डलवाओ, रोज चाहिए उन्हें वो, रोज 2-3 हजार। हाँ, रोज चाहिए भाई साहब। तो भाई एक बार ना थोड़ा सा कैमरा लेके ना बाहर दिखा दीजिए कि बारिश कितना हो रहा है, और ये भाई साहब ड्यूटी जा नहीं पाए हैं, और आ जाइए दिखा दीजिए हट जाते हैं। और मैडम जो है, वो मैडम को कितना जरूरी काम आ गया कि वो बाहर चली गई हैं, देख रहे हो ना कितना बारिश हो रही है। चलो आ जाओ भाई, अब कुछ आने वाने का ठीक ठिकाना भी है या नहीं, आ जाएंगी ना। आज कह रही 6-7 बजे तक आ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, आने के बाद हम कैमरा सेट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करती हैं। अभी तो मुझे बर्तन भी धोने हैं। बर्तन धोने हैं।
A few moments later. सोना ही आता और कुछ काम काम थोड़ी करना आता है, पूरी रसोई ठंडी पड़ी है, ना कुछ करना आता है। थोड़ी तबियत डाउन, मैं भी पानी नहीं भर के रखा हुआ है, क्या सामान। तबियत डाउन हो रखी मेरी थोड़ी सी, तबियत डाउन हो रखी। कभी तबियत ठीक होती है ना, ये सॉफ्ट कर रहा ना, कुछ भी बर्तन भी नहीं धुल रहे हैं, वो मैं धो दूंगा अभी। क्या हाल कर रखा है, क्या ऐसे छोड़ के गई थी क्या मैं? यार सॉरी बोल रहा, थोड़ी देर सब सॉरी बोल रहा हूँ। तबियत हद से बचा रखी है बिल्कुल ही, ना काम का करना ना कुछ करना है, बस सोना है बस इसको। आज मैं ऑफिस नहीं गया, मैं सोच आज नहीं गया ऑफिस, मेरी आंख लग गई थोड़ी। सोने के अलावा और कुछ आता है नहीं आता, तो क्या हो गया यार भाई? मैं आंख लग गई तभी डाल गोली खा रखी थी, तो इसको भी भर के रख सकते हो, तो वो तो आप ठीक है आप भी भर सकते हो। क्यों भरूं मैं, तो यहाँ पर तू किस लिए था फिर? तो तू आप भी भर लो इसको, तो इसको भर लो। वो यहाँ पर सारे छिलके पड़े हुए हैं, वो गंदा हुआ पड़ा है, उसको किसी ये काम नहीं करा जा रहा, सोया जा रहा है तुमसे, तो बस हो क्या गया उसमें, हो क्या गया? तुम भी तो सुबह तक सोती रहती, तो मेरी मर्जी ठीक है। तो आज मैंने रेस्ट ले लिया ऑफिस से, रेस्ट ले लिया ऑफिस से, तुमको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, या तो ना अपना ऑफिस चला जाएगा ठीक है, रेस्ट मत लिया अगर अगर घर के काम नहीं करने होते तो। तुम भी घर पे रह के कुछ नहीं करती, हाँ तो ठीक है, तो तू बड़ा करता है ऑफिस आने के बाद। कौन सा करके तूने आज बस क्या कर रहा है मेरे से? ये साजिश पर है, तुम तो बड़ी बड़ी बोलती मैं ये करूंगी वो करूंगी, मेरे बस की नहीं है काम काम करना ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों करूं मैं? तो यार जब तुम तेरे से काम नहीं होता, ये बताओ कहाँ से आ रही थी, जहाँ मर्जी गई, कितने बज रहे तुमने बता? 8:30 बज रहे, तो मेरी मर्जी, मैं अपने फ्रेंड्स के पास गई थी, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बता। तो गई क्यों थी, क्यों? सब पता चल रहा है मुझे, क्या पता चल रहा है? जहाँ जहाँ तुम जा रही हो घूमने के लिए, सब एक एक खबर आती है तुम्हारी, तो तू देता है मेरे को पैसे घूमने के लिए, तो रोज तुम फोन मिला देती 2,000 डाल दो 3,000 डाल दो, कमा किसके लिए रहा है फिर, लेकर क्यों आया? तो पैसे सेविंग के लिए, तो उड़ाने के लिए नहीं होते हैं। सेविंग के लिए तो कितने सेविंग कर ली तूने, तुम्हारे पास कुछ कर पाऊंगा? कुछ कर पाऊंगा, हर रोज की रोज ड्रेस चाहिए, पता नहीं कहां जाती हो, कहां जाती हो, अभी भी नशे में कुछ नशा कर रही हो, क्या क्या तेरा बाप देता है मेरे को पैसे, क्या क्या घर वाले के ऊपर जा रही हूँ, अंदर बंद कर ज्यादा उल्टा मत बोल, बता रही हूँ ठीक है, निकल जा गेट खोलो, निकल बाहर, मैं तो जाऊँ, मेरा भी घर है। अच्छा रेंट में देता हूँ यहाँ, हाँ तो? देती है घर का काम तो तू नहीं करता, मैं करता हूँ, फालतू बकवास मत कर मेरे से, सुबह चाय बना के देख रहा है ना, बट इसी से बहुत मारूंगी ठीक है, मेरे से फालतू मत बोल। मैंने क्या तुमसे फालतू बोला, ये बताओ, ये तो चीज मैं मार दूंगी, बता रही बिल्कुल ही, मेरे से ज्यादा बर्दाश्त बाहर हो रहा है बिल्कुल, बकवास मत कर ठीक है, बाहर निकल जा वरना। क्यों बाहर निकल जाऊं, रेंट देता हूं यहां पर ठीक है, तुम कुछ नहीं देती हो, सर फाड़ दूंगी तेरा मैं इससे ठीक है, अच्छा ऐसे बोल रही हूँ, निकल जा वरना, बहुत बकवास कर रहा है, पीछे बंधा हुआ है हाथ, करूँ क्या भी कॉल कंप्लीट, क्या मिलेगा तुम्हें, फोन करके क्या मिलेगा, इधर बात तो करो ना, क्या बात करूँ तेरे से मैं, क्यों डर लगने लग गया मेरे को, डर नहीं लगने लग गया, बोल रहा है रोज के रोज, चल एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, तो ये घर का काम तो कौन करेगा आके? अच्छा ये बताओ, अच्छा रुको ये बताओ, कौन आता है मेरे जाने के बाद यहाँ? कौन आता, कोई भी नहीं आता, तो कहाँ घूमती हो रात रात भर, जहाँ मर्जी जाओ तुम्हें, मेरे सोने के बाद कहाँ निकल जाती हो, कहाँ निकल, तुम क्या लगता है मैं कुछ देखता नहीं हूँ, कहाँ गई हूँ ये बताओ ठीक है, अब देखता हूँ मैं, मुझे मत चलाओ, बहुत चला लिया ठीक है, अब तुम्हारे घर पे बोलूंगा फोन करके, जाओ तुम जिस मर्जी को बोल दो, बट फालतू बकवास मत कर वैसे ठीक है, तुम्हारे इतना जब मुंह जितना चल रहा है ना सारा तोड़ दूंगी 2 मिनट में ठीक है ना, मेरे तो फालतू मत, मैं बाहर बैठा था काफी टाइम से, क्या बारे बैठे थे तुम, चल एक बार निकल जा बाहर, क्यों निकल ठीक है, यहाँ से निकल, क्यों निकल, मेरे बस की नहीं तरसत रहना, क्यों बस मन भर गया, कौन है, मैं खोल तो रहा हूँ, तुम्हारा होगा कोई आशिक, मेरा भाई मेरा क्यों आशिक होगा, देखता हूँ, आशिक ही बना सकता और तू और कुछ नहीं कर सकता, हाँ क्या कर रही हो,
आपको ना मैं कौन हूँ बताता हूँ अभी। और पहली बात अब रूम में कैसे है? रूम में कैसा है ये सारे चीज मैं बता देता हूँ। कौन है भाई? मैं ये क्या इसके सामने डंकी लगा के रखी है? कौन अब उठाई गिरा भाई बना लिया? उठाई गिरा तो सुन बात नहीं, बदतमीजी मत कर, समझ आ रहा? उंगली पहली बार बदतमीजी मत कर, उंगली नीचे एक रैप टाइम है ना गिर जाएगी यही रैपटे पड़े उससे पहले सही से बात कर ले तू। अरे समझ आ रहा है क्या मतलब है ये तो बता दे। ये इसके साथ जो कर रही हो ना, अरे तो मेरे घर से मतलब क्या, मैं जो मर्जी करूँ? एक चीज बता, मेरा पति है वो, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ? कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगी, इससे बर्तन धुलाएगी, अपने कहाँ क्लब में जाती है, लेट नाइट आती है ये चीज। कौन से क्लब में चलेगी तुम? देखोगे पैसे क्लब के? अच्छा मैं देता हूँ। सुन ये एक सुने सुन सुन फोटो वीडियो क्लब की वो तो दिखा। सुने मेरे से बात कर, मेरे से बात कर, बदतमीजी मत कर, बोल रहे ना बदतमीजी मत कर। अगर मैं बदतमीजी कर दिया ना, भाई ने सारा बात बता रखा है ना, रैपटे पढ़ने से पहले सुन 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 रैप बोल, ये तो सुन ना नीचे बोल रहा है ना सुन, ठीक है एक इसको सुन अपना, ये तो उंगली ना नीचे सुन सुन बोल अपना सुन सुन उंगली नीचे, ये जो मैं बात कर सुन है अपना, ओए शांत हो जा, भी पीछे हो जा, ओए चोंच मत चला अपना, अपना ना चोंच मत चला, समझ आ रहा? तू सोच रही नहीं कि इससे इसके साथ जो बदतमीजी करती है ना, वैसे ही तू मेरे साथ बदतमीजी कर ली, एक रैप टाइम ना सोच जाए, सुख जाएगी यहीं पे। पहले ये तो बता दे क्या जो तू कर रही है ना, ये सारा चीज हमें पता, उसके साथ और पहले बोल रहे ना सुन बदतमीजी, बदतमीजी मत कर, तू होता कौन है? कौन हूं? फिर एक रैप टाइम ना सो जाएगी, कह रहा ना बदतमीजी मत कर, मैं लड़की का हाथ नहीं उठाना चाहता। तू एकदम से मेरे रूम में एंट्री करके मेरे से फालतू बकवास कर रहा है। सुन 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 ये तो चुप हो जा, चुप हो जा, अभी बोला ना चुप हो जा, मेरे को उठाई गिरी। ओए शांत हो जा, अभी शांत हो, ये तू इसके इससे तू पैसे लेती है क्लब जाने के लिए, ये तेरा हस्बैंड है, तेरे में शरम है या नहीं? शरम है या नहीं? शरम है, मैंने क्या उसके साथ क्या कर दिया? ये क्लब जाती है ये चीज पता है? पता भी है क्या? तेरा ना फिल्म बन रहा है, फिल्म देख, उधर 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 कैमरा लगा हुआ ना, क्या उधर देख, उधर देख, उधर इसको बंद करवा दे, ठीक है? क्या बंद करवा? ये भी फूटेगा साथ में, ये भी फूटेगा, तू भी फूटेगा, फूटेगा, फोड़ के दिखाना, अकड़ बंद कर, अकड़ बंद कर, एक रैप टाइम सुन, तो तू अपना मुंह बंद रख, शांत हो ना, शांत हो ना, अभी शांत हो, शांत हो, अभी शांत हो जा, अभी ईगो मत दिखा, ये देखो भाई, ये इनके इनके क्लब का देखो, मेरी बच्ची मेरी फ्रेंड है वो, सुन ठीक है, कोई लड़का तो नहीं है ना उसमें, चल सबसे बड़ी बात तू क्या करती ना, यहाँ सब चीज पता है, ठीक है ना, इसको भाई डिलीट मत होने, ठीक है ना, तू फोन अपने पास रख, और जो तू कर रही है ना ऐसे, क्या कर रही हूँ? सुन सुन सुन, और पहली बात इसे बंद करवा, ठीक है? सुन क्यों बदतमीजी, सुन धीरे के बात है ना इसके पास, ठीक है ना, तो अरे तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाती, मैं कौन सी लड़की के साथ चली गई है तो बता दो। तो एक चीज बताना, सुन तमीज, तमीज नाम का कोई चीज होता है या नहीं? अरे तो इंडिया में हो, चाइना में नहीं हो, इंडिया में हो, आई बात समझ में? कहां से मैं क्या करती फिरती हूं ये तो बता दो, तुम ये बोल रहे हो, तुम रहने दो, सुन और ये सुन, और जहां तक ना ये जो उठापटक कर रही थी इसे साथ जो भी बदतमीजी की है ना, ये सारे बदतमीजी ना, सुन ये सारे क्या, अरे यार तो हमारे बीच की बात है ना, क्या हमारे बीच की बात है, क्या हमारे बीच की बात है भाई? इसके फोन ले तू, ठीक है ना, और तू चल मेरे साथ, ठीक है ना भाई? आप लोग को शायद दिखा होगा ना कि बारिश तो इसको बंद कर, क्या बंद करा दे, क्या तो बंद, बारिश हो रहा है, लेकिन इन मैडम को ना बाहर जाना जरूरी था, अपने जो भी अब फ्रेंड के पास गई ना, फ्रेंड के पास, हस्बैंड से बड़ा फ्रेंड है, हस्बैंड से बड़ा फ्रेंड है, बता दो हमें कि हस्बैंड से बड़ा फ्रेंड है। बोलो भाई एक चीज बताओ, ऐसे लड़की के साथ तुम रह पाओगे? मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा, पांच महीने जेल लिया, बहुत था, बहुत अरे था। क्या जा अपने घर, क्यों अपने याद हो जिन क्लब क्लब में, एक काम करो इनका, सुन तू यहाँ रहे, ठीक है ना, और जो भी यहाँ हरकत की होगी ना सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है? और एक चीज बता, सुन एक चीज बताओ, एक चीज सुन सुन सुन, ये शरम नाम का चीज है नहीं, यहाँ पे तुम उससे बेड पे तुम्हें सोने नहीं देती भाई, नहीं बेड पे कुछ, बेड पे सोने नहीं देती, क्या हरकत है, क्या तमीज है?
क्या तमीजे बता दो, क्या तमीजे मतलब पर... वो खुद ही वहां सोते हैं। अच्छा, खुद ही सोते हैं। ये तो सारा बात हमें बता दिया कि भाई यहाँ पे हमें सोने, हमें को सोने देती है, उधर हुश होती है, क्या मतलब है भाई? मेरा बिस्तर लगा हुआ है और ये देखो तुम्हारा, देख लो। हाँ क्या तमीजे बता, बताया क्या तमीजे भाई? ये तो एक काम कर, ये ले और चल, ऐसे ऐसे ऐसी लड़की ऐसे नींद सुधारती है। सुन इसको, सुन, डिवोर्स हो गया ना, रेडी हो ना, चल क्या सॉरी, सुन क्या सॉरी, तुम उठा लो, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता, क्या सॉरी, सॉरी ना यार, प्लीज, क्या सॉरी भाई, मैंने गलती कर दी, चल भाई तू चल, अरे यार क्यों, सॉरी ना, किस चीज के लिए सॉरी, कि कौन सी सॉरी, अब सॉरी, सारे फोन ले लिए ना, हाँ, फोन ही काम करो आप ना, चलो तुम मेरे शांत, ठीक है, क्योंकि ऐसा लड़की ऐसा नहीं मानती भाई, ठीक है ना, ये आज समझाओगे, सुनो आज समझाओगे फिर कल वैसे ही करेगी, ठीक है ना, फिर तेरा लाइफ ना ऐसे ही बन के रह जाएगा। नहीं चलो 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 चलो, अरे यार क्या प्लीज, क्या प्लीज, अब मेरे से गलती हो गई, अब मैं होगी ना, कौन सी गलती, कैसी गलती, हाथ छोड़ दे भाई मेरे, हाथ छोड़, भाई तू चल, अरे बिल्कुल चल, अरे नहीं ना, क्यों क्यों क्यों, अब क्या हो गया, गलती हो गई ना, सॉरी, किस चीज के लिए सॉरी, किस चीज के लिए सॉरी, जो भी सब मेरा पेप था, अब नहीं होगा ना, सॉरी प्लीज, इस चीज का क्या सबूत है कि अब नहीं होगा, बिजी एक एक घंटे तक कॉल पे बिजी, और दो रोज की रोज, चलो मैं ठीक है भाई, कर देता हूँ कर देता, भाई बुरा नहीं मानेगी, क्लब में जाना है, कभी मेरे, सुनो कभी मेरे लिए धागा लाइयो बाहर से उन पैसों के लिए, चलो आज, चलो आज मेरा अपने, सुनो के लिए, लोवर, सुनो सुनो, टी शर्ट ले, लड़की हो ठीक है ना, इतना समझो कि अपना हस्बैंड कैसे 10,000-12,000 कमा के कैसे घर को चलाता है, तू घर देख रही है ना कैसा है, कितना छोटा कमरा लेके रह रहा है, ठीक है, किसके लिए, ये चाहता ना 10,000 में भाई अकेला खुला जिंदगी जी सकता था, ठीक है, सॉरी अब नहीं होगा, मैं चाहूँ तो अपने घर जा सकता हूँ ना, जा सकता हूँ ना, सब पता है ना, अगर तुम्हें छोड़ दे तो ये आराम से घर जा सकता है, घर पे रह सकता है, लेकिन किसके वजह से नहीं जा रहा, तेरी वजह से नहीं जाता ना, बताओ, अगर मैं जब मानूंगा कि फिर ऐसे तुम गलती नहीं करोगी, ठीक है, पहले कैमरे में देख के माफी मांगो और पकड़ के माफी मांगो कि तुम फिर से ये गलती नहीं करोगी, करोगी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगी, ठीक है, चलो भाई एक बार गले मिल लो अगर ऐसा है तो, नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई, ये बार उधर देख के बोल, चुप चुप, नहीं अब एक चीज बताओ ना, कि अगर ये चीज अगर ऐसे हुआ तब आपको ऐसे हो रहा है, इतना दिन से आपको तो समझना चाहिए, अभी रो रही हो, मैं मेहनत करता हूँ, पूरे 12 घंटे की ड्यूटी करके आता हूँ, अच्छा आप एक चीज बताओ ना, या आप कैमरे के डर से ऐसे कर रही हो, चुप हो जा, चुप हो जा, अगर आपको प्यार होता ऐसे चीज होता तो ऐसे नहीं करती ना, नहीं जा रहा ना मैं कहीं, ऊपर तो कर ले, अब नहीं जा रहा, पहले आज सुख पागल, मत रो मत रो, ये कपड़े बदल, भाई को चाय पिलाओ, ठीक है, चलो भाई कोई नहीं, अगर